अच्छा, दादी ने वहां पे बोला आखिर ये भांग घर में लाया कौन होगा? माजी कहा गई सुजाता जी वहां पे दादी के पास, बोला कहीं राधिका ने तो नहीं लाया, तो कोई टोना टोटका करके मुन्ना के पापा को तो भांग ही खिला दिया उसने। टेंशन। और दादी ने बोला अरे वो ऐसा क्यों करेगी सुजाता? सुजाता बोला माजी जब वो बिना वजह मुन्ना के पापा की जान की दुश्मन बन सकती है तो ये क्या करना कौन सी बड़ी बात है क्या उसके लिए? हे भगवान, भाभी मैंने तो सुना है भांग ज्यादा खाने से ना दिमाग की नसें फट जाती है, मैं ना एक काम करती हूँ मुन्ना के पापा को छिट करके आती हूँ। वो जाने लगी और झटके से रुकी, सुना ये राधिका का फोन, और देखा उसने फोन उठाया और उसने बोला हेलो मुन्ना, बेटा राधिका को क्यों फोन कर रहा है? कोई काम था तो हमें बता देता, हम कर देते। तब तक सीढ़ी से आवाज आई, माँ जी हम है। देखा रानी दिव्यम का फोन ले आ रही है, वो आई सुजाता के पास और सुजाता ने बोला रानी तुम दिव्यम के फोन से राधिका को कॉल क्यों कर रही हो? उन्होंने बोला माँ जी मैं ना पापा जी की दवाई देने के लिए राधिका जी को ढूंढ रही थी, मेरे पास उनका नंबर नहीं है ना तो दिव्यम जी के फोन से फोन किया, पर वो दोनों कहीं नजर ही नहीं आ रहे। देखा क्या हो सकता है। और सुजाता ने बोला अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका मुन्ना के पापा को भांग देकर घर से गायब हो गई हो? माँ जी चलिए ना हम चेक करके आते, भाभी आप भी चलिए। हाँ, मोबाइल कर।